हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, टुडे 1 सितंबर 2020 आई एम स्टार्टिंग योर इंग्लिश क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1, द फन दे हैड। और अभी हम पढ़ रहे हैं, कल हमने पढ़ा था काउंटी इंस्पेक्टर के पास में जब उनकी माँ भेजती है तो मार्गी बता रही है कि वो काउंटी इंस्पेक्टर कैसा दिखता है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल्स एंड वायर्स। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad, the part Margie hated. जहां तक आपने कल पढ़ लिया था, आगे देखो क्या होता है। मोस्ट वॉज द स्लॉट, उसको वापस से पूरा लर्न करने का काम मिल जाता है। वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, उसको वापस से उसी जगह पर, जैसे टेस्ट के लिए एक जगह बिठा दिया जाता है ना कि यहां बैठ के आप टेस्ट राइट करो, तो उसको बेचारी को वापस से बिठा दिया गया है। She always had to write them out in a punch card. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. जब मार्गी ने अपना टेस्ट फिनिश किया तो जो इंस्पेक्टर है वो मुस्कुराया और उसने उसके सर पर हाथ, हाथ से जैसे थपथपाते हैं ना। ही सेड टू मदर, उसने मम्मा से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, ये छोटी सी बच्ची का दोष नहीं है मिसेस जॉन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, कि ये जो ज्योग्राफी है ये थोड़ा सा बच्चों के लिए मतलब मुश्किल है, या फिर आप इस तरह से बोल सकते हो कि जैसे शुरू में थोड़ा समझ में कम आता है ना, कि इसके लेवल से ज़्यादा थोड़ा सा हैवी है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसा कभी कभी होता है। आई हैव स्लॉड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, कि इसका जो लेवल है पढ़ाई का वो लगभग मतलब सेटिस्फैक्शन वाला है, ठीक ठाक पढ़ाई कर रही है। एंड ही पैटेड मार्गीज हैड अगेन। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टूगेदर। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, उसने टॉमी से पूछा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी स्कूल के बारे में क्यों नहीं लिखता। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, बहुत ही अचंभे से देखने लगा टॉमी उसकी तरफ। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, ये स्कूल जो है ये हमारे तरह के नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये तो पुराने तरह के स्कूल हैं, दैट हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो कई सौ सालों पहले थे। ही एडिड लॉफ्टली, उसने एक सबसे अच्छा तरीका बताया प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुल्ली सेंचुरीज अगो, कि मतलब सौ सालों पहले कह रहा है, तो वो कह रहा है सेंचुरीज अगो, कि मतलब कई शताब्दियों पहले थे ये स्कूल। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बड़ा ही बुरा लगा। वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, कि पुराने समय में किस तरह के स्कूल रहे होंगे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर वाइल देन सैड, एनी वे दे हैड अ टीचर, उनके टीचर थे। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ उनके टीचर थे, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन, वो रेगुलर टीचर नहीं थे, इट वॉज अ मैन, ये एक इंसान था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन, अब आप सोचो कि जब किसी आगे फ्यूचर के अंदर जब रोबोट टीचर हुआ करेंगे, है ना, वो काउंसलिंग किया करेंगे, तो बच्चों को कैसे समझ में आएगा कि पहले एक इंसान टीचर हुआ करता था, नहीं आएगा ना समझ में। अ मैन,
How could a man be a teacher? एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. He just told the boys. उसने लड़कों को बताया और लड़कियों को things and gave them homework. उनको काम दिया and asked them question और उनसे question पूछे. A man is not smart enough. एक इंसान इतना smart नहीं हो सकता है जैसे कि एक robot होता है. Sure, he is. वो हो सकता है. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. मेरे पापा जो हैं वो भी एक बहुत अच्छे टीचर हैं. माई फादर नोज, मेरे पापा जानते हैं एज मच एज माई टीचर, जितना कि मेरा टीचर जानता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो उनके जितना ही जानते हैं. आई बेचा, बेचा होता है इनफॉर्मल वे में जब हम कुछ बात कहते हैं, जैसे शर्त लगा लो, है ना. बेचा मतलब शर्त लगा लो कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, कि वो इतना ही जानते हैं. आपस में हम शर्त लगाते हैं ना जब किसी बात पे विश्वास नहीं होता, कि नहीं शर्त लगा लो ऐसा हो ही नहीं सकता है. मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. मार्गी और ज्यादा डिस्प्यूट नहीं करना चाहती थी. शी सेड आई वुड नॉट वॉन्ट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कि मैं एक अजनबी इंसान को अपने घर में बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी कि वो मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाउटर. अब जो टॉमी था वो हंसी के मारे चिल्लाने लगा. यू डोंट नो मच मार्गी. मार्गी तुम्हें कुछ भी नहीं पता. द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, कि जो टीचर होता है वो घर के अंदर थोड़ी रहता है. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द काइंड्स वेंट देयर. वो तो एक बिल्डिंग होती है खास तरह की जहां पर ऑल द किड वेंट देयर, वहां पे बच्चों को जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, कोई टीचर घर में नहीं रहते हैं. And all the kids learned the same thing. सभी बच्चों को एक जैसी चीजें सिखाई जाती है. Sure, if they were the same age, क्या वो सभी एक ही उम्र के होते हैं? But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. लेकिन मेरी मम्मा तो कहती है कि जो टीचर होता है उसे हर बच्चे का माइंड सेट करना होता है, हर बच्चे को बात समझानी होती है. It teaches and that each kid has to be taught differently. हर बच्चे को अलग अलग तरह से पढ़ना होता है, हर बच्चे का अपना अपना माइंड होता है, हर बच्चा अलग अलग तरह से किसी भी बात को सीखता है. तो एक ही टीचर सभी बच्चों का माइंड कैसे सेट कर सकता है? Just the same, they did not do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. अगर तुम्हें ये सारी चीजें पसंद नहीं आ रही हैं तो तुम इस किताब को मत पढ़ो. I did not say I did not like it. मैं नहीं कहती कि मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं है, मार्गी said quickly. मार्गी ने जल्दी से कहा. पहले तो उसको ये बात पसंद नहीं आ रही है कि टीचर जो है एक ही टीचर होता है, वो सभी बच्चों को पढ़ाता है, सभी बच्चों को समझा देता है. लेकिन वो दूसरे ही पल कहती है कि मैं ऐसा नहीं कह रही कि मुझे पसंद नहीं है, बट कि मतलब मैं इस किताब को पढ़ना चाहती हूँ. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल. मैं उन सभी फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती हूँ जिनकी बातें तुम कर रहे हो. तो मतलब फ्यूचर आप देख सकते हो, अपना फ्यूचर सच में कभी किसी टाइम ऐसा होगा कि बच्चे जो होंगे कंप्यूटर्स रोबोट्स के जरिए पढ़ा करेंगे और उन्हें बड़ी ये बातें मजाकिया लगेंगी कि किसी टाइम में स्कूल्स हुआ करते थे, है ना. अगर 100 साल बाद की बातें होंगी तो शायद उस टाइम ऐसा ही होगा. उनको स्कूल बड़े फनी लगा करेंगे और उन्हें बड़ा अजीब लगा करेगा कि एक टीचर बच्चों को पढ़ाता था. ठीक है, इसे आगे हम कल पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. तो जितना पढ़ाया गया उसे अच्छी तरह से रीड कीजिए. सो थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे.